ख्वाबों को तो देखो, सांस का डर भूल कर उन्हीं के साथ फूलनी की तरह झूम के नाच रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपनी शादी के संगीत के मौके पर आज मासा ने संध्या और भावो दोनों को एक बहुत बड़ी कसम दी है। बराबरी में नाचेंगे, गाएंगे, जश्न मनाएंगे। और बता हमारी माता जो है उनका बड़ बिया का लेडी संगीत है, जो कहते हैं कि रात को लेडीज अपने माहौल में नाचती हैं, गाती हैं और जेंट्स लोग भी मस्ती करते हैं। तो ऐसे ही कुछ धमाल होने वाली है आज हमारे सेट पर। संगीत की रात है आज और जयफल डगडग हुआ। संगीत के जश्न के लिए जब भावो गांव की सारी बीतड़ियों के साथ इस घर में आ रही थी, तो उनकी भीड़ में कुछ मर्द भी औरतों का चोला पहनकर शामिल हो गए। मर्द कौन कौन है पहचान लीजिए। संध्या का नाच देखने सूरज बाबू आए हैं, भावो के टुकड़ों पर दीवाने होने बाबा सा आए हैं और साथ ही आमली का दीवाना मोहित भी मौजूद है। सूरज तो संध्या के आगे नीचे ऐसे डूर रहे थे जैसे कोई मटक चली। प्यार में लवेरिया हो गया। क्या बात है सूरज बाबू, इस जनाने ड्रेस में तो खुश रहे हो आप। अच्छा खासा एंजॉय कर रहा हूँ, खुला लग रहा है। अच्छा मतलब कहीं भी कुछ काश ये भूख में होता तो मैं आराम से पल्लू वल्लू ले लेता। लेकिन जनाब यहाँ से नाच का मजा लेने के लिए जनाना ड्रेस पहन कर शामिल हो गए हैं। ये लग रही है मुझे तो लग रही है। हम लोग एक थप्पड़ मारने लगते तो इतने में रिवील कर देते कि नहीं मैं सारा मेरी मेमोरी। पर संगीत में नच का हंगामा तो हुआ, मगर वो कहते हैं ना खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। यहाँ भी बढ़ गया और रंग भी भंग जब कजरी ने संगीत में भूतिया एंट्री की। बहुत शॉकिंग है मेरे लिए भी, और वो ऐसा क्यों कर रही है वो मेरे को जानना है और मैं बस वही जानना चाहती हूँ। तो क्या संध्या जान पाएगी कजरी का सच? यही है सीरियल दिया और बाती की आगे की कहानी। मुंबई आज तक।